जोश, ताकत और जुनून का दूसरा नाम है भारतीय वायुसेना। आपको बताना चाहेंगे कि आज भारतीय वायुसेना 90 साल की हो गई है और दिल्ली और एनसीआर के इलाके को छोड़कर भारतीय वायुसेना अपना ये भारतीय सेना दिवस इस बार चंडीगढ़ में बना रही है। और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारत के वो तमाम जो हथियार वो इस वक्त यहाँ पर प्लेस किए गए हैं। भारतीय वायुसेना का जो दल है वो लगातार निरंतर ताकतवर हो रहा है और ये हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। आज भारतीय वायुसेना की ताकत स्वदेशी लड़ाकू विमान बन रहे हैं और खास बात यह है कि देश अपनी सेना की ताकत आत्मनिर्भरता की राह पर चलकर बढ़ा रहा है। और इसी क्रम में हाल ही में भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड मिला है। और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रचंड है वो भी यहाँ पर प्लेस किया गया है। आज आपको हवा में फ्लाई पास्ट करते हुए दिखाई देंगे देश के स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ अंजु निर्वाण, TV9 भारतवर्ष। बिल्कुल, आज पूरी दुनिया भारतीय वायुसेना का दम देख रही है। आज के एयरफोर्स डे में क्या खास है, इसके लिए चंडीगढ़ में मौजूद हमारी संवाददाता अंजु निर्वाण ने विंग कमांडर आशीष मोगे से खास बातचीत की। सुनिए इस बातचीत को। आज 90 बरस की हो गई है भारतीय वायुसेना और इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर आशीष मोगे। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, प्रचंड हेलीकॉप्टर अभी इंडक्शन हुआ है उसका, आप उस हेलीकॉप्टर को कैसे देखते हैं? अटैक हेलीकॉप्टर है, पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, जबकि भारत के पास अगर रिसेंटली अगर हम बात करें तो अपाचे हेलीकॉप्टर भी आया, इसके अलावा MI-17 भी है, तो इस हेलीकॉप्टर को सर आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, एक अटैक हेलीकॉप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हाई ऑल्टीट्यूड हो या फिर अलग अलग टेरेन में इसको ऑपरेट करने की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसे बनाया गया है और उसी तरह से ऑपरेट किया जाएगा। और हम आशा करते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बनेगा। एक सवाल सर ये है कि जैसे हम अभी तक देखते आए हैं इंडियन एयरबेस पे हमेशा पिछले सालों से लगातार जो है एयरफोर्स डे सेलिब्रेट होता रहा, पहली बार चंडीगढ़ पर हो रहा है, पंजाब जो बिल्कुल पाकिस्तान से बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पर ये सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? जी, हमारी कोशिश यही है कि जो भारत की जनता है उन्हें ये शो अलग अलग जगह देखने का मौका मिले, जो अब तक सिर्फ इंडन को या फिर दिल्ली एरिया में देखने को मिल रहा था वो अलग जगह लोगों को देखने को मिले, वो अप्रिशिएट कर पाए कि भारतीय वायुसेना क्या है, क्या कर सकती है, और जो हमारे यूथ हैं उनको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि हम आगे जाके वायुसेना में भर्ती हो जाएंगे या फिर ज्वाइन कर लेंगे या फिर किसी और आर्मी या नेवी में भी ज्वाइन कर लेंगे, तो यही इसका एम है। सर, एक सवाल ये कि जो इस बार जो एयरफोर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है क्या खासियत है, किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या थीम है, क्या फॉर्मेशन रहेंगी खास? जी, भविष्य की ओर रूपांतरण ये थीम है और वेन्यू भी हमारा अलग है और इस बार पहली बार हम जो इसका फ्लाई पास है वो एक सिविल एरिया में कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके देख सकें और इसको अप्रिशिएट कर पाएँ। आखिरी सवाल सर, जो हमारे जो लड़ाकू पायलट्स हैं उनकी वर्दी बदल रही है, उस वर्दी को चेंज करना और उसके पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म जो है इसमें चेंज है, बदलाव है और ये हमें जो रिक्वायरमेंट महसूस हुई थी कि हमारे जो एनवायरनमेंट में इफेक्टिवनेस के लिए जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए उस हिसाब से ये बनाई गई है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विंग कमांडर आशीष मोगे, जिन्होंने बताया कि एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन खासतौर से चंडीगढ़ में इसलिए भी किया जा रहा है कि भारत का हर एक नागरिक भारतीय वायुसेना से जुड़े और उसकी ताकत देखे कि किस तरीके से पूरी भारतीय वायुसेना काम करती है। और आने वाले दिनों में आपको बता दें कि किस तरीके से एक एक करके भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो और बढ़ेगी, जिस तरह से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, स्वदेशी हेलीकॉप्टर अभी भारत की जो भारतीय वायुसेना है उसमें इंडक्शन हुआ है उसका, साथ ही साथ जो यूनिफॉर्म है वो भी जो लड़ाकू पायलट्स हैं उनकी चेंज हो रही है और उसको कुछ खास पैरामीटर्स के मद्देनज़र डिज़ाइन किया गया है, उसे तैयार किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट वीर सिंह के साथ अंजु निर्वाण, TV9।